जय हिंद प्यारे साथियों, अग्निवीर फ्री अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, सबसे ज्यादा बंदों का कमेंट आ रहा था कि सर जी हमारी भर्ती कब आएगी, न्यू वैकेंसी कब आएगी, क्या रहेगी आयु सीमा क्या रहेगी, नोटिफिकेशन कब आएगा, फॉर्म कब से फिलअप होंगे। साथियों, हम इस पे विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन साथियों अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैं पहले से कह चुका हूँ कि एक लौता ऐसा चैनल है साथियों, अग्निवीर फ्री अकेडमी यूट्यूब चैनल है, आपको पूरा फ्री कोर्स दे रहा है। आपको मैं खुद एक ट्रेनर हूं, मैं खुद एक रनिंग कराता हूं, वर्कआउट कराता हूं अपने बंदों को, जो जिन्होंने अच्छे खासे रनिंग भी क्वालिफाई किए बंदे। साथियों, हम इस पे भी चर्चा करेंगे। एक चैनल ऐसा है साथियों, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो हर एक अपडेट ओनली आर्मी के लिए आपको हर एक अपडेट सबसे पहले साथियों मिलता रहेगा। अब साथियों आइए हम इस पे चर्चा करते हैं। अग्निवीर आर्मी भर्ती 2024, इसको देख लिए, कब आएगा नोटिफिकेशन, कब से होगा ऑनलाइन, क्या रहेगी आयु सीमा। साथियों, क्या रहेगी आयु सीमा, ठीक है साथियों। अब हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे, आपके फॉर्म कब से फिलअप होंगे, कब से जो बंदे रनिंग क्वालिफाई कर चुके हैं, जो सी रिजल्ट के यानी कि फाइनल रिजल्ट के इंतजार में है साथियों, क्या वो भी बंदे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं साथियों, हम इस पे भी चर्चा करेंगे। क्या आपकी आयु सीमा में छूट देंगे, हम इस पे भी चर्चा करेंगे। कब से लेंगे आपकी आयु सीमा सर, हम इस पे भी चर्चा करेंगे। ए टू जेड एक वीडियो में सब कंप्लीट करेंगे, लेकिन साथियों आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब आइए देखता हूं साथियों, सबसे पहले अग्निवीर आर्मी बैच 2024। साथियों, ये जो बैच है साथियों, आपको पूरा फ्री बैच है, निःशुल्क, एक पैसा नहीं लग रहा। आप अच्छे से पूरा बैच लेते रहिए, आपका 100% वाद गारंटी के बेस पे कहता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ, आप यहाँ से जुड़ के देख लो ना, आपका 100% सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है साथियों। हम आइए देखता हूँ कब आए, क्या रहेगी एज लिमिट, कब आएगा नोटिफिकेशन, क्या रहनी चाहिए आयु सीमा। साथियों, हम इस पे चर्चा करेंगे। लास्ट में हम चर्चा करेंगे कब से होगी ऑनलाइन। साथियों, लास्ट में मैं इस पे चर्चा करूंगा, लेकिन दोस्त चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आइए, क्या रहेगी एज लिमिट। साथियों, जैसे अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, बस जनवरी में नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऑनलाइन के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। लेकिन साथियों, इसमें एक संभावना है, जीडी के लिए 17.5 से 21 साल ही रहेगा, लेकिन ट्रेडमैन टेक्निकल कलर के लिए 23 साल एज की संभावना है। क्या है, 23 साल एज की संभावना है, इसीलिए अभी तक आपका नोटिफिकेशन नहीं है आर्मी का। अगर आना होता तो आ जाता है, इसीलिए नोटिफिकेशन वो लेट कर रहे हैं, 23 साल एज की संभावना। साथियों, आप भी जानते हो फौज कोई चीज क्लियर नहीं करती, आपको जो देगा नोटिफिकेशन ही देगा, एक झटके में देगा। कहा नहीं जाता, जैसे दुश्मन जैसे गोली मार देते, एक झटके में मार देते हैं साथियों, वैसे भी आपका जो आर्मी साइड है आपको एक ही बार में नोटिफिकेशन देगा, ये तो क्लियर है, तुरंत देगा नोटिफिकेशन। अब उसमें संभावना, इसीलिए अभी तक वो नोटिफिकेशन क्या है साथियों, नहीं आया। जनवरी में आपके 100% नोटिफिकेशन आ जाएंगे। अब कब आएगा नोटिफिकेशन, इस पर भी मैं चर्चा कर चुका हूँ, कब आएगा नोटिफिकेशन। साथियों, आपके जनवरी में नोटिफिकेशन भी आएंगे। एज सीमा भी जीडी के लिए 21 साल ही रहेगा, लेकिन ट्रेडमैन टेक्निकल के लिए 23 साल, कलर के लिए 23 साल रहने की संभावना है। क्या रहनी चाहिए आयु सीमा। साथियों, अगर एज सीमा क्या है साथियों, अगर एज सीमा क्या है साथियों, अगर आपकी आयु अगर वो 23 साल नहीं किया, तो प्यारे दोस्त आपकी 1 अक्टूबर से ही ली जाएगी। क्या, 1 अक्टूबर से ही ली जाएगी, 1 अक्टूबर 2003 तक, 1 अक्टूबर क्या है साथियों, 1 अक्टूबर 2003 से ही लेगा, अगर वो 23 साल नहीं किया तो। जिस बंदों की 1 अक्टूबर 2003 तक रहेगा साथियों, वो फॉर्म डाल देगा। अगर वो 23 साल कर दिया तो फिर जान लो आपकी एज ठीक ठाक होगी, फिर हर एक बंदा डाल सकता है फॉर्म। अब ये क्लियर हो चुका है प्यारे दोस्त, कब से होगी ऑनलाइन। अब साथियों, हम इस पे चर्चा करेंगे कब से होगी ऑनलाइन, कौन बंदे ऑनलाइन करा सकते हैं। साथियों, सबसे पहले जनवरी में जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपके फरवरी में फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। जो बंदे रनिंग क्वालिफाई कर चुके हैं, जो बंदे मेडिकल फिट हो चुके हैं, जो बंदे फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, अगर साथियों आपकी
एज उसमें है, इस फॉर्म में नए नोटिफिकेशन में है, तो आप चूकना मत, फॉर्म फिलअप कर देना, क्योंकि अगर आप फॉर्म चूक गए तो साथियों आप फिर एक साल आपका बर्बाद हो जाएगा, ये मत सोचना। भले भी आपका हो चुका है, क्लियर हो जाए, जब ज्वाइनिंग चले जाना, जब ट्रेनिंग पे चले जाना तो मत डालना, अगर हो उस टाइम तो साथियों आप फॉर्म जरूर डाल देना, बस छोड़ना मत, फॉर्म जरूर डाल देना, सारे बंदे अग्निवीर के फॉर्म डाल देना। अब साथियों आपका जब तो फॉर्म आप डाल दिए, लेकिन साथियों अब आपका पेपर कब होगा, साथियों हम इस पे भी चर्चा करेंगे। साथियों आपका पेपर, आपके पास पूरा जनवरी बचा रहेगा नोटिफिकेशन देने के बाद, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल में साथियों आपका पेपर होगा, अप्रैल में पेपर होगा, जून से फिर साथियों आपकी रनिंग फर्स्ट पेज की, फर्स्ट बैच की स्टार्ट हो जाएगी, जून से आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी, अप्रैल में आपका पेपर होगा, 20 दिन बाद आपका रिजल्ट आउट कर देगा, सी रिजल्ट दे देगा, फिर आप रनिंग में जुट जाओगे, फिर से ये प्रक्रिया चलती चली जाएगी, अभी तक आएगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट भर्ती 2025 में देगा, फिर 2026 में देगा, ऐसे आपकी भर्ती कंटिन्यू साथियों चलती रहेगी। लेकिन साथियों जिन बंदों के पास मौका है, अच्छे से यार डट के तैयारी करो, एक ही बार में फतेह करके जाओ, एक ही बार में नौकरी पा जाओ। अभी साथियों जो नए बंदे ज्यादा से ज्यादा 17 साल 18 साल के हैं, अभी आपके पास कोई प्रेशर नहीं है, आराम से फर्स्ट क्लास नौकरी ले लो यार साथियों, अभी तो बहुत पड़ा, जो सोचते हैं 4 साल में क्या होगा, अभी तो यार पूरा बचा है, कुछ भी होने का संभावना, नए नए नियम हर रोज चेंज हो रहे हैं। अभी तो देखे एक बुक छपने के लिए, देख सर की बुक में क्या प्रभाव था, बहुत उस पर विवाद चला, कुछ भी हो सकता, आप परमानेंट भी होंगे, आप अच्छे से, लेकिन दोस्त आप लग के तैयारी करो, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, भर्ती आएगी, भर्ती चली जाएगी साथियों, भर्ती बहुत सी भर्ती आई, बहुत से भर्ती चली गई, लेकिन साथियों आज भी आप खाली हाथ हो, एक नौकरी नहीं है आपके पास, इसीलिए साथियों कहता हूं एक बार में डट के तैयारी करो, एक बार में पूरा सुपड़ा साफ के कर जाओ। सबसे अच्छा आपका अपना प्लेटफॉर्म है अग्निवीर फ्री अकेडमी यूट्यूब चैनल, साथियों आपको पूरा बैच फ्री दे रहा है, आप अच्छे से सिर्फ अच्छे से तैयारी करो, 100% आपका हो जाएगा, रनिंग के लिए, फिजिकल के लिए कोई भी दिक्कत हो, हमारे नंबर शॉर्ट लिस्ट में पड़े हैं, आप सीधा हमसे कॉल करके बात कर सकते हो, ये एक यारों के लिए नहीं, ऑल इंडिया के लिए होगा। ठीक है साथियों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, जय भारत।